वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक खिलाड़ी सब पे भारी, खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एंड पूरे दिन के यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग के फाइनल ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, आज का थोड़ा स्केड्यूल हेक्टिक चल रहा है, खतरों के खिलाड़ी भी रिव्यू करना है, इसलिए उसके ब्रेक में आके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फटाफट देख लीजिए, खतरों के खिलाड़ी का रिव्यू विल फॉलो अप आफ्टर दिस। चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खुश की बात यह है कि तमिलनाडु में, यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, देखिए गाइस, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। एंड गाइस, अब हमें तमिलनाडु का भी सहारा मिलने वाला है। वेल फ्रेंड्स, तमिलनाडु में 50% से थिएटर्स को ओपन करने की परमिशन दे दी गई है। मैं दिल से दुआ करता हूं कि कल शायद एंड अगर महाराष्ट्र सरकार 50% की परमिशन दे दे, देन गाइस दिस विल हेल्प बेल बॉटम इमेंसली। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कल शायद महाराष्ट्र सरकार इसको परमिशन दे दे, नहीं तो फिर 1 तारीख से तो डेफिनेटली ओपन होना ही चाहिए। लेकिन गाइस, आज 3rd डे था, लेट मी टेल यू वन थिंग, द कलेक्शंस हैव इंक्रीज्ड। यस, सैटरडे का फायदा इसे मिला है एंड आज वो कलेक्शन नहीं करेगा जो पिछले 2 दिनों से कर रहा है। डे 1 2.75 करोड़, डे 2 2.75 करोड़, 5.5 करोड़ रुपए कमाए मात्र बेल बॉटम ने। एंड अब गाइस, आज की बात करें तो आज की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी, मैंने आपको सुबह बताया था किस तरह से लोअर साइड पे थी, अब फाइनल ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। मॉर्निंग 15%, आफ्टरनून 19%, इवनिंग शोज वेरी गुड 22%, अभी रात के शोज 27% पे गए हैं। इसी का कारण है आज का कलेक्शन बढ़ेगा एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फिल्म 3 करोड़ से लेके 3 करोड़ 20 लाख रुपया कमाएगी। यस फ्रेंड्स, यानी कि 50 लाख की बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाइस, 3D शोज जो थे दिल्ली एनसीआर के, उन्होंने फिर से निराश किया है। 2D वॉज गोइंग वेरी नाइस, 565 शोज में दिल्ली एनसीआर पूरा दिन 23% ऑक्यूपेंसी था। अहमदाबाद में 244 शोज के साथ यू नो इसकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो 25% की थी। बैंगलोर डिसअपॉइंट्स 8%, कोलकाता सुपर्ब टुडे 43%, हैदराबाद डिसअपॉइंट्स ओनली 10, सूरत वेरी नाइस 29, चंडीगढ़ फैबुलस 38, लखनऊ 31, भोपाल 19, लेकिन चेन्नई मुंबई पुणे बंद होने के कारणवश उतना बड़ा जंप नहीं ले पाया। 3D शोज की बात करें तो गाइस, 3D शोज रात और शाम होते होते पूरे डाउन हो गए, ठप पड़ गए कह सकता हूँ। दिल्ली एनसीआर में 295 3D शोज है, ऑक्यूपेंसी मात्र 15% की है। 3D शोज नहीं चल रहे हैं बेल बॉटम के, तो मुझे लगता है 3D जो शोज है उनको कन्वर्ट करके 2D वालों में दे दो। ओके, तो 3D शोज में शोज भी जा रहे हैं, लोग नहीं देख रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे चश्मा पहन के, भले वो डिस्पोजेबल है, रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। बात करें गाइस यहाँ पर बेंगलुरु की, यस द स्पेक्स आर सैनिटाइज्ड, लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पर जो भय है दिलों में लोगों के, उस पर ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल है। बेंगलुरु की बात करें तो 135 शोज में ओनली 12% ऑक्यूपेंसी, लेकिन कोलकाता में 2D हो या 3D ये फिल्म फाड़ रही है 39%। तो कोलकाता को सबसे बड़ा श्रेय जाता है इसकी अच्छी ऑक्यूपेंसी इन कलेक्शंस का। अहमदाबाद ओनली 9, सूरत वेरी गुड 32, जयपुर 16, लखनऊ 3D वर्जन बहुत ही फैंटास्टिक है, सिर्फ 33 शोज है, 33 शोज में 40% की ऑक्यूपेंसी। लेट्स सी गाइस, बेल बॉटम माय प्रेडिक्शन फॉर इट्स डे 3, 3 करोड़ से लेके 3 करोड़ 20 लाख, ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। एंड संडे उम्मीद कर सकते हैं के 4 करोड़ के कलेक्शंस हैं। ओके गाइस, लेट्स सी क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। सो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमरण साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, मिलेंगे खतरों के खिलाड़ी के रिव्यू में।